आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हंसने के लिए वक्त निकाल पाना बहुत मुश्किल है। इसी को ध्यान में रखते हुए फरीदाबाद के भूपानी लालपुर गांव में स्थित सतयुग दर्शन ट्रस्ट की ओर से वसुंधरा परिसर में हसन हसैया नामक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी थीम थी रोना झुकना छोड़, हंसो और हंसाओ और सदा सत्चित आनंद स्वरूप बनो। लोग इस मंत्र को सतयुग दर्शन ट्रस्ट और उसके मार्गदर्शक श्री सजन जी के सानिध्य में लंबे समय से हासिल कर रहे हैं। सतयुग दर्शन ट्रस्ट ने फरीदाबाद में इसी मकसद को केंद्र में रखते हुए एक आयोजन किया, जिसमें देश भर के लोग शामिल हुए। सतयुग दर्शन ट्रस्ट की ओर से हसन हसैया कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका मकसद था हंसते रहो, खुश रहो और दूसरों को भी खुश रहने दीजिए। कार्यक्रम की शुरुआत नन्हे बाल कलाकारों की प्रस्तुति से हुई। इस अवसर पर ट्रस्ट के मार्गदर्शक श्री सजन जी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। श्री सजन जी ने कार्यक्रम की शुरुआत कुछ इस अंदाज में की। तो क्या करना है, रोना झुकना स्टैचू गन, हंसना कथाना शुरू। कार्यक्रम में प्रदेश और देश के कोने कोने से लोग पहुंचे थे, जिनका मकसद था हंसना और हंसाना। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति प्रसन्नता को परमानंद तक पहुंचाने के उस रास्ते पर आधारित थी, जिसमें प्रसन्नता आनंद में और प्रफुल्लता के पैमाने तक पहुंचते हुए परमानंद तक पहुंचती है, जो जीवन में हंसी और खुशी का चरम है। प्रसन्नता से परमानंद तक पहुंचने के सफर को मंच पर सतयुग दर्शन ट्रस्ट वसुंधरा के छात्रों ने विशेष प्रस्तुति कर पेश किया। इस पहली प्रस्तुति में दिखाया गया कि दैनिक जीवन में महज एक हंसी के लिए तरसता व्यक्ति किस तरह अपनी प्रसन्नता को परमानंद तक पहुंचा सकता है। स्वरूप में स्थित हो जाना, यानी रूप रंग रेखा से रहित हो जाना। आशय यह है कि इस अवस्था में पहुंचकर तीनों तापों का रोग मिट जाता है। परमानंद को ब्रह्मानंद भी कहा गया है। ये प्रस्तुति बताती है कि परमानंद मानव जीवन का मुख्य ध्येय है और इसी की प्राप्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रसन्नता परमानंद तक पहुंचने की पहली सीढ़ी है। आनंद और प्रफुल्लता से होते हुए ही कोई सजन परमानंद को पाता है। रंग
रेखा से रहित हो जाना। आशय यह है कि इस अवस्था में पहुंचकर तीनों तापों का रोग मिट जाता है। ये प्रस्तुति लोगों में खुश रहने और खुशी बांटने की अलख लोगों में जलाती रही। आप समझ गए होंगे, आपको अंदाजा लग गया होगा कि हंसना हंसाना ये आयोजन मात्र कोई रोना झुकना छोड़कर हंसने और खुश रहने के लिए प्रेरित करते इस कार्यक्रम में वैसे तो सभी परफॉर्मेंसेस खास थी, लेकिन अंबाला से आई छात्राओं की एक प्रस्तुति ने जैसे सबका दिल जीत लिया। इस पेशकश का कहना था कि सजना वे हंस ले हंस ले। आज के जीवन में जहां किसी के पास बात करने का भी वक्त नहीं है, वहां एक पल ठहर कर हंसने और खुश रहने की बात बेमानी लगती है। और रही बात दूसरों को हंसाने की, तो ये काम तो असंभव मालूम होता है, लेकिन अंबाला से आई इन कलाकारों ने हंसने और हंसाने का ही संदेश दिया। गीत के बोल और संगीत ने लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। और यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी था। इस गीत का संदेश था कि सिर्फ खुश रहना या हंसना ही मानव जीवन नहीं है, बल्कि दूसरों को हंसाना और दूसरों को हंसता देख खुद खुश रहना ही मानव जीवन को सार्थक बनाता है। सतयुग दर्शन ट्रस्ट द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम की कुछ प्रस्तुतियां ऐसी थी जिनका संदेश था रोते हुओं को कैसे हंसाया जाए, खुश रहने के लिए अहंकार त्यागना बहुत जरूरी है, हंसते रहने के सफर में जो कदम से कदम मिलाएगा वो निश्चित ही मंजिल पाएगा, और मंजिल है खुश रहना और परमानंद को प्राप्त करना। Oh.
आज बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जो खुद भी हंसते हैं और दूसरों को भी हंसाते और खुश रहने की प्रेरणा देते हैं। ऐसे लोगों को हंसमुख, चहलबाज, हास्य प्रेमी, मस्खरा, विदूषक जैसे कई नामों से जाना जाता है। रोते हुओं को कैसे हंसाएं, मुरझाए दिलों को कैसे हर्षाएं का ज्ञान बांटती इस प्रस्तुति के अलावा खुश रहने के लिए त्यागो खुदी नामक अन्य प्रस्तुति का मंचन किया गया। जालंधर से आए इन कलाकारों ने बेहतरीन ढंग से इसे मंच पर प्रस्तुत किया। खुश रहने के लिए अपनी खुदी यानी अहंकार को त्यागना बहुत जरूरी है, लेकिन आज कितने लोग ऐसे हैं जो अपना अहंकार त्याग पाएंगे। हसन हसैया नामक कार्यक्रम की थीम भी रोना झुकना छोड़ हंसो और हंसाओ और सदा सचित आनंद स्वरूप में बने रहो। कार्यक्रम में तरह तरह की परफॉर्मेंस हुई जिनमें खुश रहने के तरीके सिखाती कुछ अनोखी प्रस्तुतियां भी थीं। माइम और दोहों के अलावा खुश रहने पर एक विशेष प्रश्नोत्तरी प्रस्तुति का भी मंचन किया गया जिसमें खुश रहने के दर्जनों फायदे गिनाए गए। हंसी कितनी तरह की होती है, इसी सवाल का जवाब एक माइम के माध्यम से सतयुग दर्शन ट्रस्ट वसुंधरा के छात्रों ने दिया। वह या तो दूसरों की खामियों व मूर्खता पर हंसता है या फिर दूसरों को मूर्ख बनाकर या उन्हें लक्ष्य मानकर सबको हंसाने के उद्देश्य से हंसता है। उसकी हंसी अधिकतर दूसरों पर आश्रित होती है। वह अधिकांशतः अहंकारवश और ईर्ष्यावश दूसरों को नीचा व मूर्ख जतलाने के लिए उनके अवगुणों, गलतियों व अक्षमताओं पर हंसता है। इस प्रकार के हास्य के अंतर्गत व्यक्तियों की समान रूप से भागीदारी। माइम के माध्यम से हंसी के प्रकार बताने के अलावा कुछ प्रसन्नता दोहों ने भी कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए। दोहे भी खुश रहने और हंसने का ज्ञान बांटते रहे।
फेफड़े, नाड़ियां, पेट, पीठ, यकृत, मध्य पटल, वक्ष व जिगर। लेकिन इन संगीतमय और धार्मिक प्रस्तुतियों के अलावा भी हंसने हंसाने और खुश रहने से जुड़ा कोई सवाल रह गया हो तो उसके लिए भी एक सवाल जवाब प्रस्तुति का मंचन किया गया, जिसका उद्देश्य था खुश रहने के सभी फायदे बताना, फिर चाहे वो शारीरिक फायदे हों या मानसिक। हंसना 10 मिनट नाक के चप्पू चलाने जितना लाभकारी व्यायाम है। हंसना शारीरिक स्वस्थता के लिए सर्वोत्तम टॉनिक है, क्योंकि इससे हर सूक्ष्म बिंदु और उस बिंदु से जुड़े हर अंग प्रत्यंग का व्यायाम हो जाता है। हम जानना चाहते हैं कि हर अंग प्रत्यंग का व्यायाम किस तरह हो जाता है। वैज्ञानिकों के मतानुसार हमारे शरीर की सभी संवेदनशील नाड़ियाँ आपस में जुड़ी होती हैं, इसलिए भय, चिंता, दुख, सुख, ईर्ष्या, प्रेम, संयोग, वियोग आदि से संबंधित संवेदनाओं को प्राप्त करते ही न केवल सारा शरीर अपितु हमारा मानसिक स्तर भी उससे प्रभावित होता है। यह प्रतिक्रिया क्रियात्मक संवेदना के कारण शरीर में हुए रासायनिक स्राव यानी हार्मोनिकल सिक्रीशन पर निर्भर करती है। खुश रहना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। कार्यक्रम की सभी प्रस्तुतियों का एक ही सार है कि रोना झुकना छोड़, हंसो और हंसाओ।